हमारे एसडी कार्ड या पेन ड्राइव या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस जब भी खराब होते हैं हम एक नया स्टोरेज डिवाइस ले लेते हैं। परंतु आपने कभी ये सोचा कि इस खराब हुआ एसडी कार्ड को फिर से ठीक किया जा सकता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप किस तरह से आपके खराब हुआ एसडी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस को फिर से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है बापी राय और आप लोग देख रहे हैं नेटलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप किस तरह से आपके CMD के माध्यम से आपके खराब हुए एसडी कार्ड को ठीक कर सकते हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे काफ़ी सारा कमेंट आया, लाइक आया, बहुत सारा लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि आप वीडियो बहुत ही अच्छा है। परंतु कुछ लोगों ने इसको डिसलाइक भी किया, उन्होंने बताया कि आपका ये जो मेथड है ये काम नहीं कर रहे, ये बस थोड़ा लोगों ने बताया था। तो मैं हर एक सब्सक्राइबर को मैं अवेलेबल मानता हूँ, इसलिए उनके रिक्वेस्ट की वजह से मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपका स्टोरेज डिवाइस यानी कि एसडी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस अगर टेक्निकली ख़राब हो जाता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। परंतु ये अगर फिजिकली डैमेज हो जाता है यानी कि कहीं से टूट जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो आप इसको कहीं से भी ठीक नहीं कर सकते। तो आपको ये पहले कन्फर्म करना होगा कि आपका जो स्टोरेज कार्ड डिवाइस है ये क्या फिजिकली टूटा हुआ है या फिर टेक्निकली ख़राब हो गया है। अगर ये टेक्निकली ख़राब हो चुका है तो आप इसको बेफिक्र ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा एसडी कार्ड। तो इसको जब भी मैं ओपन करने को जाता हूँ तो ये फॉर्मेट करने को कहते हैं, और इसको जब भी मैं फॉर्मेट करने को जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैसेज आ जाता है। तो दोस्तों, आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके स्टोरेज डिवाइस क्यों ख़राब होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप आपके स्टोरेज डिवाइस को पीसी में डालते हो परंतु सिस्टम की अनुमति लिए बगैर इसको रिमूव करते हो, या फिर आपका मेमोरी कार्ड पानी में फेंक जाता है, या फिर आपके फ़ोन पे आपके फ़ोन को स्विच ऑफ किए बगैर ही आपके स्टोरेज डिवाइस को निकल लेते हैं, तब आपका मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस ऐसे करने की से खराब हो सकता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको सिंपली आना है गूगल सर्च इंजन में, यहाँ पे आपको टाइप करना है sdcard.org, उसके बाद सर्च कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसडी कार्ड फॉर्मेटर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके इस साइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे एसडी कार्ड फॉर्मेटर में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला साइट अलग अलग है, तो आपको नीचे यहाँ पर आना है। नीचे आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडी कार्ड फॉर्मेट फॉर विंडोज एंड मैक। तो यहाँ पे विंडोज और मैक का फॉर्मेटर यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप इसका गाइडलाइन भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड एसडी फॉर्मेट फॉर विंडोज यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये डाउनलोड होने लग जाता है। ये करीब 6 MB का एक फाइल है, चंद ही सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर पर। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए और मैं ये इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद आपके जो क्राफ्ट एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव है उसको आपके कंप्यूटर के साथ इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते ही यहाँ पे आपको जो ड्राइव है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं सिलेक्ट होता है तो आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए क्विक है, इसको आपको फुल ओवरराइट करना है। उसके बाद देखिए फॉर्मेट साइज एडजस्टमेंट, इसको ऑन करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। तो ये पूछ रहे आप सच में फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो फॉर्मेट जो है ये चालू हो चुका है। तो यहाँ पे पहले ये ओवरराइट करेगा, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये फॉर्मेट भी ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा, तब तक आपको वेट करना है। तो दोस्तों, फाइनली फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइव फॉर्मेट कंप्लीट, ओवरराइट फॉर्मेट, यहाँ पे आप इसका डिटेल्स जो है देख सकते हैं। और कैलकुलेट साइज यहाँ पर ये बता रहे 32768 byte, तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो चुका है और मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो सक्सेसफुली ठीक हो चुका है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका कोई भी करप्टेड मेमोरी कार्ड हो, चाहे वो किसी भी टाइप का करप्ट हो, अगर वो नहीं खुल रहा है, आप समझ लिया कि आप मेरा जो मेमोरी कार्ड है ये ख़राब हो चुका है, तो इस प्रोसेस को करने के बाद आपका जो मेमोरी कार्ड है वो आशा रखता हूँ कि ठीक हो जाएगा। और फिर भी अगर ये ठीक नहीं हो जाता है तो मैं हूँ आपके साथ। आप 24 आवर्स के अंदर कभी भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।